लंबोदर महतो जी हैं जो कि आज नामांकन किए हैं, क्या कहिएगा? जनसैलाब एकदम पूरा लंबा यहाँ पे लगा हुआ है। झारखंड राज्य में सबसे ज्यादा खनिज पदार्थ है लेकिन यहाँ के लोग गरीब हैं, इस पर क्या कहिएगा? हेमंत सोरेन नौकरी बेचने का काम किया है, जेपीएससी का नौकरी बेचा, सीजीएल का नौकरी बेचा। सीजीएल वाले मुद्दे पर एग्जाम रद्द होना चाहिए, इस पर क्या कहिएगा? निश्चित रूप से मैं सीजीएल और झारखंड राज्य के शिक्षित बेरोजगार और जो उनके साथ मैं हूँ। मैया योजना है ना, वो फाई हो गया। कहाँ तीसरा नहीं दे पाया। 1 लाख वोट इस बार जीतेंगे हम लोग। एकदम दावा करते हैं 1 लाख वोट आएगा, एकदम आएगा, नहीं जीतेगा। दादा जोहार। लंबोदर दादा कैसा काम किए हैं? अच्छा काम किए है, अरे ये लाइफ टाइम के लिए करते रहेंगे। लंबोदर माँ तो जीत के आएंगे, नहीं जीत के आगे। गोमिया विधानसभा के हमारे सामने भी लंबोदर महतो जी हैं जो कि आज नामांकन किए हैं, क्या कहिएगा? जनसैलाब एकदम पूरा लंबा यहाँ पे लगा हुआ है। देखे भैया, ये जनसैलाब, ये डॉक्टर लंबोदर महतो के जीत का अग्रिम जनसैलाब है। यहाँ के जनता, ये जनसैलाब निश्चित रूप से यहाँ के लोगों का उमंग, उत्साह और जुनून ये साबित कर दिया है कि हर हालत में हम अपने घर के बेटा डॉक्टर लंबोदर महतो को अपार मतों के साथ और भारी अंतराल के साथ जीत दिलाने का काम करेंगे। संदेश देना चाहेंगे? संदेश यही है कि जो आशीर्वाद, जो स्नेह, जो प्यार अपने घर के बेटा डॉक्टर लंबोदर महतो को पहले लोगों ने दिया है, मैं उनसे करवद अनुरोध और विनती करता हूँ, वही स्नेह, वही प्यार, वही आशीर्वाद फिर से अपने घर के बेटा डॉक्टर लंबोदर महतो को देने का काम करें। लंबोदर महतो दादा, आपको 5 साल के लिए फिर से मौका मिला है, सीजीएल मुद्दे पर क्या कहिएगा? निश्चित रूप से कई मौका, हम लोगों ने कई कीर्तिमान स्थापित किया और तो हम लोगों का नारा है 5 साल बना 50 साल। 50 साल में जो लोगों ने नहीं किया, हम लोगों ने अपने 5 साल में करके दिखाया। अभ्यर्थी जो है पूरा एकदम वहाँ पे धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, सीजीएल वाले मुद्दे पर एग्जाम रद्द होना चाहिए, इस पर क्या कहिएगा? निश्चित रूप से मैं सीजीएल और झारखंड राज्य के शिक्षित बेरोजगार और जो उनके साथ मैं हूँ, पहले भी खड़ा था, आज भी हूँ और आगे भी रहूंगा। और पूरे विधानसभा में अगर देखेंगे तो इन मामलों को लेकर सबसे ज्यादा, चाहे वो जेपीएससी का मामला हो, जेएससी का मामला हो, सीजीएल का लंबित परीक्षा का मामला हो, परीक्षाओं में अनियमितता का मामला हो, सबसे ज्यादा विधानसभा में लंबोदर महतो ने ही आवाज उठाया है और लगातार सड़क से सदन तक इन मामलों को लेकर सबसे ज्यादा मुखर डॉक्टर लंबोदर महतो ही। झारखंड राज्य में सबसे ज्यादा खनिज पदार्थ है लेकिन यहाँ के लोग गरीब हैं, इस पर क्या कहिएगा? देखिए, निश्चित रूप से जो वर्तमान सरकार है, इस वर्तमान सरकार की दूरदर्शी, वर्तमान सरकार ने कहा था कि 1932 खतियान आधारित स्थानीय नीति लागू करेंगे, सरकार का कार्यकाल खत्म हो गया, सरकार ने लागू नहीं किया, विस्थापन नीति लागू नहीं किया, विस्थापन आयोग लागू करने का उन लोगों सदन में घोषणा माननीय मुख्यमंत्री जी ने किया था लेकिन उन्होंने आज तक लागू नहीं किया। ओबीसी आरक्षण बोल मुख्यमंत्री जी ने कहा था कि मैं अपनी पहली कैबिनेट में यहाँ के पीछे जाते को 27% आरक्षण देने का काम किया, आरक्षण तो यहाँ के लोगों को नहीं दिया, उल्टे यहाँ के पिछड़ों को जो 10,500 से ज्यादा पदों पर पंचायत चुनाव में जो आरक्षण मिलता था उस आरक्षण को लूटने का काम किया, उसका हक और अधिकार को छीनने का काम किया। दादा, यहाँ पर मैया योजना पे 1,000 रुपया दिया जा रहा है लेकिन गरीब के गाँव में जब जाते हैं, जब रिव्यू करते हैं वहाँ, तो वहाँ कहते हैं कि हमें 1,000 नहीं, शिक्षा रोजगार चाहिए, इस पर क्या काम करेंगे? बिल्कुल 1,000 से किसी का परिवार चलने वाला नहीं है, बिल्कुल अस्थायी रूप से नियोजन चाहिए, अस्थायी रूप से आज 3.5 लाख से ज्यादा पद पर वैकेंसी पड़ा हुआ है सरकारी नौकरी में, 3,59,000 से ज्यादा रिक्ति है, सरकार को प्राथमिकता पर चाहिए कि उन नियुक्तियों नियमित नियुक्ति करती, जितना भी सरकारी पद है उसको भरने का काम करे। और मैया समान में अगर 1,000 देते हो, आज 7 महीना से हमारे लाखों की संख्या में वृद्ध महिला, विधवा महिला, वृद्ध विधवा, जितनी भी विकलांग, दिव्यांग, जो भी, 7 महीने से पेंशन राशि का भुगतान नहीं हो रहा। इस बार कितना सीट आने का संभावना है? निश्चित रूप से इस बार एनडीए की सरकार बनेगी और हर हालत में एनडीए की सरकार बनेगी। चलिए, हमारे साथ देख लीजिए लंबोदर महतो जी थे, लंबोदर महतो जी का पूरा जनसैलाब उमड़ा है 5-5 किलोमीटर तक। लंबोदर जी के आगे कोई नहीं है, लंबोदर जी के आगे कोई नहीं है, लंबोदर जी यहाँ के शेर बन के उभरे हैं और एनडीए की सरकार बनेगी और लंबोदर महतो विधायक बनेंगे और मंत्री बनेंगे। 5 साल में कौन कौन सा काम किए हैं? 5 साल में जो काम ये किए हैं वो गिनाने जो कि नहीं है, ना पेपर है, ना कागज है, ना कलम है,
जो ये किए हैं आने वाला 25 साल में ना कोई कर सकता है ना कोई करेगा। बीजेपी की सरकार कर रही, हमारा सरकार बनेगा तो हम 2100 रुपया देंगे हर परिवार को, क्या इसे काम चलेगा? रोजगार और शिक्षा चाहिए। बीजेपी की भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो बोलती है वो करती है, वो सरकार पैसा देगी। ये हेमंत सरकार नहीं है जो उधार लेके देगी। लेकिन रोजगार और शिक्षा चाहिए, पैसा नहीं चाहिए। झारखंड में रोजगार की कमी नहीं है, झारखंड के हर एक घर में ग्रेजुएट लड़का पैदा हुए हैं और हो रहे हैं और होंगे। लेकिन आदिवासी आज के डेट में भी झारखंड में सबसे ज्यादा जो है ना गरीब है। यहाँ पर आदिवासी ना गरीब थे ना गरीब है और ना गरीब रहेंगे। आदिवासी एक ऐसी संख्या है जो देश की दिशा और दशा तय करते हैं। क्या लगता है लंबोदर महतो इस बार जीत के आएंगे? 5 साल में यहाँ गोमिया का तकदीर और तस्वीर बदलेंगे? लंबोदर महतो जीत के आएंगे ना जीत के आगे, लंबोदर महतो जीत के आगे, बाकी लोग का रोटिया डोल। क्या लगता है लंबोदर महतो काम करेंगे? करेंगे। दादा जोहर जोहर जोहर। क्या लगता है एकदम पूरा जनसैलाब है लंबोदर महतो? एकदम जीतेंगे। हेमंत सोरेन नौकरी बेचने का काम किया है, जेपीएससी का नौकरी बेचा, सीजीएल का नौकरी बेचा, और क्या बचेगा बताइए? अच्छा बताइए, बीजेपी की सरकार भी करे 2100 रुपया देंगे, रोजगार और शिक्षा चाहिए। एकदम देगा, गारंटी मोदी जी सरकार का गारंटी है, ये गारंटी है। लेकिन रोजगार और शिक्षा चाहिए। एकदम शिक्षा और गारंटी देगा। क्या लगता है खनिज पदार्थ में सुधार होगा यहाँ पे? एकदम सुधार होगा, एकदम सुधार होगा, एकदम। दो मत लाइफ टाइम के लिए वो कर्जे रहेंगे लंबोदर महतो जी। हाँ इस बार जीत के आएंगे तो लगता है गोमिया का तकदीर तस्वीर बदलेगा? बदल रहा है। हाँ बाकी भाई साहब है दादा जोहर 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 जोहर। क्या लगता है जन सैलाब है पूरा दम घोड़ा हुआ है? हम लोग 1 लाख वोट से जीतेंगे। 1 लाख वोट से इस बार जीतेंगे हम लोग। एकदम दावा करते हैं, एकदम दावा करते हैं। 1 लाख वोट आएगा, एकदम आएगा, नहीं जीतेंगे। छाप साफ हो गया। क्या हो गया? मैया सब मैया योजना है ना, वो फाय फाय हो गया, फाय फाय हो गया। हाँ कहाँ तीसरा दिया, तीसरा नहीं दे पाया। देख लीजिए कह रहे हैं कि मैया योजना वाई फाई हो गया। हो गया, नहीं जीतेगा कभी नहीं। कांटे की टक्कर है, कांटे की टक्कर है, कांटे की टक्कर है एकदम। कांटे की कोई टक्कर नहीं है, इसमें बीजेपी के अहम भूमिका है। हाँ जीएमएम एकदम पूरा रेस में है। कैसे? उसका लाल झंडा टूट गया, उसका लाल झंडा था ना वो खत्म हो गया। लेकिन जीएमएम वाले कहते हैं आदिवासी के लिए हम खड़ा रहेंगे, तीर धनुष। अरे आदिवासी के बाबूलाल मरांडी आ रहे हैं। हाँ बाबूलाल मरांडी आ रहे हैं। और सीजीएल जेपीएससी का जो स्टूडेंट लोग तैयारी कर रहा है 8-9 साल से कर रहा है, तो उन लोगों का क्या दोष है? क्या कहिएगा सीजीएल वाला मामला पर? विधायक जी आएंगे तो उसमें कुछ सुधार होगा? एकदम सुधार होगा, कैंसिल होगा एकदम। बीजेपी का सरकार आएगा तो सुधार होगा, पूर्ण रूप से सुधार, पूर्ण रूप से सुधार एकदम। गोमिया विधानसभा में आज और लंबोदर महतो का नामांकन था, नामांकन में आए कुछ लोगों का रिव्यू लिए। बाकी आप क्या सोचते हैं, किस विधानसभा से वीडियो को देख रहे हैं कमेंट करके बताइएगा, और सरकार कितने सीटों से जीतेगी आप अपना आकलन जरूर लगाइएगा। बाकी इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।